My dear all students, please hear this my topic and focus on the blackboard. So, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को साइंस की उत्पत्ति के बारे में बताया था, साइंस ऑफ जीनेसिस के बारे में बताया था कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ है. विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एस्कार शब्द से हुआ है जिसका अर्थ जानना होता है, और इसका खोज विलियम वावेल ने किया था. बेटर देन इस बात पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि लैटिन भाषा क्या होता है, और लैटिन भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप लोग मेरे पीछे वाला जो बैक साइड का जो वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं. बेटर देन साइंस का जो मुख्य काम है वो जानने से ही है. इसमें एस्कायर का जो लैटिन वर्ड है और एस्कायर का अर्थ जानना ही होता है यदि हिंदी लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तब. बेटर देन यदि आप लोग पॉलिटेक्निक का बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया है साइंस ऑफ जीनेसिस, तो उसमें ये दिया है सिंटिया वर्ष दिया है जो मैं कल चर्चा किया था. तो जो सिंटिया जो वर्ष दिया था तो सिंटिया अर्थ का, सिंटिया का जो अर्थ होता है वो नॉलेज होता है, और नॉलेज का अर्थ भी ज्ञान होता है. तो नॉलेज होता है, यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिंटिया और एस्कार एक ही वर्ष है जिसका अर्थ जानना ही होता है, और विज्ञान का मुख्य काम जानने से ही है. तो मैं टॉपिक को लेकर चलता हूँ. आज का मेरा टॉपिक है विज्ञान की परिभाषा. तो विज्ञान का परिभाषा क्या होता है इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे. किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान, किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान जो विशेष प्रकार का परीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया हो उसे विज्ञान कहते हैं. किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान जो विशेष प्रकार का परीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण तथा प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया हो उसे विज्ञान कहते हैं. यानी कहने का मतलब यह है, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ. किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध का मतलब ये होता है साइंस कोई भी काम करता है तो सीरियल वाइज बाई वाइज करता है, क्रम से, ये नहीं बीच में से या छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं, क्रम सीरियल बाई सीरियल से. किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान जो विशेष प्रकार का परीक्षण, परीक्षण का मतलब ये होता है कि अगर कोई काम करना है साइंस को तो पहले आके उसको अवलोकन करेगा, देखेगा कि सिचुएशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है. तो किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान जो विशेष प्रकार का परीक्षण, वर्गीकरण, संश्लेषण, ध्यान दीजिए, किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान जो विशेष प्रकार का परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण. विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे बहुत सारी वस्तुओं को रखा गया है और उस वस्तुओं को जब उसको अलग अलग भागों में बिखेर देंगे, उसको छीट देंगे या हटा देंगे, अलग अलग भागों में उसको डिवाइड कर देंगे, हटा देंगे उसको, अलग अलग कर देंगे तो विश्लेषण होता है, और जब उसी वस्तु को इकट्ठा कर देते हैं तो संश्लेषण होता है. अब वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि साइंस जो कोई भी काम करता है तो उसका एक ग्रुप बनाता है, पार्ट बाई पार्ट, पार्ट यानी रैक, यानी खाना बनाया जाता है, रैक बनाया जाता है, उसमें सभी वस्तुओं को ला के उसमें फिट कर दिया जाता है. तथा प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया उसे विज्ञान कहते हैं. इसका मतलब लास्ट में आ रहा है प्रयोग, क्योंकि साइंस का जो मुख्य काम है वो एक्सपेरिमेंट से है. एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है प्रयोग. साइंस का कोई भी काम बिना एक्सपेरिमेंट का संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. साइंस का कोई भी डिफिनेशन आप लोग उसको बोलिए या लिखिए या उसको अपडेट कीजिए तो एक वर्ष उसमें जरूर जोड़िए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइंस का जो मुख्य काम होता है वह एक्सपेरिमेंट ही होता है. बिना एक्सपेरिमेंट का कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है. तो किसी विषय का वह क्रमबद्ध ज्ञान जो विशेष प्रकार का परीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण तथा प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया हो उसे विज्ञान कहते हैं. इसका खोज तो, इसका साइंटिफिक नेम तो मैंने बता ही दिया. तो एक्सपेरिमेंट जो उसमें वर्ड्स आ रही है ये सबसे क्या है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या उसको अलग भाषाओं में भी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में दे सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं. वैज्ञानिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं जो प्रयोग पर आधारित होता है. साइंस इज ए साइंटिफिक नॉलेज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड साइंस. यानी साइंस इज ए साइंटिफिक नॉलेज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट. यानी कहने का मतलब यानी जो विज्ञान है वो क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान है. तो वैज्ञानिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं जो प्रयोग पर आधारित होता है. सिंपल से लॉजिक है, या उसको उसका अलग भाषाओं में भी बता सकते हैं कि जिसके द्वारा हमें विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विज्ञान कहते हैं. यानी कहने का मतलब कुल मिला करके आप लोग कोई भी परिभाषा दीजिए साइंस का, विज्ञान का,
तो उसमें एक टॉपिक जरूर जोड़िए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइंस एक कार से लेके एक कील एक सुई से लेकर के या कोई भी चीज़ बनाता है, हेलीकॉप्टर बस ट्रक मोटरसाइकिल, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाएगा साइंस। अगर मान लो एक मोटरसाइकिल का बनाया है साइंस ने, क्या डायरेक्ट मोटरसाइकिल बन गया है? ऐसा कुछ नहीं, पहले उसका एक डिज़ाइन तैयार किया जाए, उसका एक साँचा बनाया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तभी क्या होती है कम पॉसिबल होती है और क्या होती है कम्प्लीटली होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ जीनेसिस क्या होता है, साइंस ऑफ डिफिनेशन क्या होती है। ये आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर लाइक और इसको शेयर और कमेंट कीजिए, और जो समझ में ना आए आप लोग कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके।